ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के नाका चंदवनी इलाके में बने तांगा स्टैंड के पास बीती देर रात एक कबाड़े की दुकान में आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ग्रहण कर लिया और दुकान और आसपास के पूरे माल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने जब आग लगती हुई देखी तो स्थानीय स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू करते हुए फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दुकान संचालक अर्जुन खरे का कहना है कि उनका कुछ दिनों पूर्व नाका चंद्रबंदी गड्ढा वाला मोहल्ला निवासी शिवराम पुत्र शरद नाम के व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े का बदला लेने के लिए जानबूझकर उनकी दुकान में देर रात आग लगाई गई है। आगजनी की इस घटना में 1.5 से 2 लाख के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड अमले द्वारा जहां नुकसान का आंकलन किया जा रहा है तो वहीं आगजनी का शिकार हुए फरियादी ने दुकान में आग लगाए जाने के आरोपों पर बदमाश शरद के खिलाफ ग्वालियर के झांसी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, मेरे बच्चे ने दुकान खोली थी सर, नाका चंदवनी गली नंबर 1 गंजी गेट पे। तो शरद नाम का एक लड़का है, शरद नाम वाल्मीकि, ठीक, वो रोज रोज आन कर दारू के लिए या वो जो पीते हैं जो अपन वो क्या चीज़ होती है वो इसमें के लिए पैसा लेता मांगता था, नहीं दो तो गालियाँ बकता। वो यही कहता हर बार, कई बार कह चुका वो कि मैं आग लगा दूंगा दुकान में, कई बार कह चुका ये बात। उसको पैसे नहीं दिए तो दादागिरी करने आया, उसके घर पर माँ बाप को समझाने गए तो बच्चों के लठी वो सरिया वगैरह मार दिया और 12 बजे के टाइम पर आग लगा गया। आग लगा आपने इसकी थाने में रिपोर्ट कराई थी? रिपोर्ट दर्ज है ना सर, मेडिकल भी है, रिपोर्ट भी है। कितने लाख का सामान जल गया है? दे 2.5-2 लाख रुपए करीब का सामान जल गया था। ये आपके किसने खोली ये? मेरे बच्चा है सर, अर्जुन खरे। अच्छा, कहाँ से कैसे खोली ये? जो उधार पैसा लिया सर, लोन लेके। हाँ हाँ, उसकी हाँ उसका हाँ दे दिया ना सर, थाने में दिया था नाम दर्ज। अब उसको अब कार्रवाई करी जाए, गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई किया जाए, हमारा मुआवजा दिलवाई जाए सर। तांगा स्टैंड पर मेरी कबाड़े की दुकान है, गरीब परिवार से हूँ मैं। जो मैंने 1.5 लाख रुपए का लोन लेकर इस धंधे को चालू किया था, मैं अपने बच्चे का और अपने बीवी का पालन पोषण करता हूँ अपने घर का। तो मैं 1.5 लाख का लोन लेकर साहब धंधा चालू किया था मैंने। अब कैसे क्या चलाओगे? अब बस यही है कि साहब मेरे को मुआवजा मिलवाया जाए, दिलवाया जाए। अच्छा, आपने थाने में रिपोर्ट सपोर्ट दर्ज कर दी है, उसकी FIR कटवा दी है सर। FIR कौन है ये? शरद वाल्मीकि। क्या करता है? गुंडागर्दी करता है सर। गुंडागर्दी करता, काम नहीं करता। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।